विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पॉल्यूशन बढ़ाने में उद्योगों की खासी भूमिका रहती है, ऐसे में इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रही। महापौर मुनेश गुर्जर ने राजस्थानी वेस्ट प्रबंधन नीति का विमोचन सहित अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वहीं हैक द वेस्ट हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। आसमान में उन्मुक्त गगन की ओर जाते ये गुब्बारे हमारे उस ऊपर जाते संकल्प के प्रतीक है कि हम सभी एक साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे, इस धरती को हरा भरा बनाएंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं। पूरे देशवासी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब संकल्प लें कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा और बड़े पेड़ लगाएगा, बड़, पीपल, नीम जैसे जो औषधीय पौधे भी हैं और वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। और हमारे जो पक्षी हैं जो कई तरह की जो आवाज निकालते हैं, मीठे स्वर निकालते हैं, उन पक्षियों का भी संरक्षण हो सके और उसके साथ साथ अपना इंसानी जीव का भी संरक्षण है इससे कि, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो वायु है और जो शुद्ध वातावरण है वो उस पर ही हमारी जीवन शैली एक निर्भर करती है। तो मेरा भी आज सभी से निवेदन है कि सब आज के दिन ही नहीं बल्कि अपने जन्मदिन पर, मेरिज एनिवर्सरी पर या अच्छा कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, उस पे भी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें जिससे कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जो प्रकृति है, जो प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति जो शुद्ध वातावरण करती है, उसके अलावा कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो वातावरण को शुद्ध कर सके। तो आज पर्यावरण दिवस पर जो पॉल्यूशन विभाग, वन विभाग की तरफ से इस तरीके का सरकार की तरफ से आयोजन किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हर बार इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं और वातावरण किस तरह से शुद्ध हो सके हम भी संकल्प लेकर। और आम जन में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, मनुष्य को जिंदा रहना है तो इस पर्यावरण को बचाना है और पर्यावरण अगर नहीं बचा तो मनुष्य भी नहीं बचेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी कार्यक्रम था और इसका संदेश देने का प्रयास किया। देखिए जैसे जल जीवन है, जल भी पेड़ों से ही मिलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तभी बारिश होगी। और कोरोना के समय ऑक्सीजन की जिस तरीके से मारामारी रही है, वास्तव में पेड़ लगाने बहुत जरूरी हैं, सब लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। और नगर निगम से भी मैं, आप पार्षद के माध्यम से या नगर निगम हमारे किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी को भी अगर पेड़ों की आवश्यकता हो तो हम उपलब्ध कराएंगे। और नगर निगम हमेशा मानसून में बहुत सारे पेड़ लगाता है, बल्क में लगाता है, इसीलिए लगाता है कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे और हमारे जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहे।